एक दिन विश्वामित्र जी बहुत रोए और रो रो कर महाराज भगवान के आगे प्रार्थना करने लगे। उसी समय शंकर भगवान प्रकट हो गए। बोलिए शंकर भगवान की। बोले बाबा, बोले तुम रोते क्यों हो विश्वामित्र? बोले प्रभु ये बताओ इस यज्ञ का रक्षा कौन करे? मैं यज्ञ में बैठता हूँ, दुष्ट तभी आते हैं, और जैसे मैं यज्ञ से बाहर आता हूँ तुरंत चले जाते, तो इनको मार भी नहीं सकता मैं। बोले एक काम करो। बोले क्या? अवध जाओ, अयोध्या जाओ और जाकर विश्वामित्र के भवन में भगवान स्वयं पधारे हैं, उनका दर्शन कर आओ, हो सके तो उनमें से प्रभु श्री राम को मांग कर ले आओ, कुछ दिन तुम्हारे साथ रहेंगे। और मैंने बार बार कहता हूं, भगवत प्राप्ति गुरु कृपा से नहीं होती। हनुमान जी आए तो शंकर जी गुरु बनकर आए, और विश्वामित्र जी आए तो शंकर जी गुरु बन के आए। सबसे पहले जीवन में कोई गुरु का आगमन होता है, और गुरु कृपा से ही भगवत कृपा होती है। आज विश्वामित्र जी आए, और इसलिए सदगुरु ही साधन बताते हैं, और साधन भी गुरु की प्रसन्नता के लिए ही किए जाते हैं। साधन से भगवान नहीं मिलते। हम साधन क्यों करते? ताकि सदगुरु प्रसन्न हो, तो इष्ट की कृपा हो। विश्वामित्र चल पड़े और आज अवध के द्वार पर आए। दशरथ जी को जैसी खबर मिली, दशरथ जी आज राज्योचित अतिथि सत्कार करने के लिए दौड़ पड़े, और दौड़कर महाराज आज उनका स्वागत सत्कार किया, भीतर आए, बिठाया और आसन दिया। गुरुदेव मेरी योग्य सेवा बताइए, सल कुछ कुशल क्षेम तो है ना भारत के संत लोग, आप जो आपके यज्ञ ठीक चल रहे हैं ना गुरुदेव। देखो भारत की युद्ध नीति कैसी थी, भारत की युद्ध नीति कैसी। विश्वामित्र जी क्यों आए? विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं। क्यों? ताकि यज्ञ की रक्षा भगवान करें। ये तो ठीक है, यद्यपि विश्वामित्र भी अगर चाहते तो समर्थ थे, पर भारत को ये शिक्षा देने, हम और आपको शिक्षा देने के लिए, कि शत्रु को मारने के लिए शत्रु के भारत की युद्ध नीति है, शत्रु को जब भी मारो घर में घुस के मारो। हम लोगों को तो हिंदुस्तान के नेताओं ने कायर बना दिया। भारत की विदेश नीति तो बहुत साल, कम से कम 60 वर्ष तक कायरता बनी रही। आप अगर पुरानी युद्ध नीति पढ़ोगे तो आप पाओगे। अच्छा बताना जरा, राम ने रावण को कहां पे मारा था? घर में घुस के मारा कि नहीं? लंका में। कंस को कहां मारा? मथुरा में घुस के मारा कि नहीं? जरासंध को कहां मारा? उसके महल में घुस के मारा कि नहीं? आप एक भी एक राजा का बताओ कि भगवान ने जहां छुप के मारा हो ना, उसके घर में घुस के तब मारा, जब भी मारा हो। आप किसी का भी इतिहास पढ़ा लो, ये हमारे भारत की युद्ध नीति है। हम कभी पीठ नहीं दिखाए, हम उसके राक्षस जहां चढ़ा उसके घर में घुसते और उसको वहीं मार के आते, सदा सदा चली आई है। पर बीच में भूल गए। विश्वामित्र यही तो चाहते हैं। बोले महाराज एक दुविधा है। बोले क्या? बोले यज्ञ करने बैठते हैं तो राक्षस बहुत परेशान किया। अच्छा तो गुरुदेव इसमें दुविधा क्या? मैं चलता हूं, मैं अपनी चतुरंगी सेना को लेकर चलता हूं गुरुदेव, आप आराम से यज्ञ कीजिए, सारे राक्षसों का संहार करूंगा। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है राजन। बोले तो गुरुदेव आपने, लगता है जल्दी जल्दी में बोल रहे हैं गुरुदेव, आपने विचार करके नहीं कहा। अच्छा हमने विचार करके नहीं कहा, तो तुमने विचार किया? हमने विचार करके ही कहा। विप्र के आशीर्वाद से 4 पुत्र मिला है, आधा मांग रहे हैं और तुम कहते हो विप्र, और फिर तुम्हारे पुत्र का आदर्श क्या है? विप्र धेनु सुर संत हेतु, तुम्हारे पुत्र का संकल्प है ये? अपने बेटे से पूछो। विप्र धेनु सुर संत हेतु लीने मनुज अवतार, जिस विप्र और जिस धेनु की रक्षा करने के लिए तुम्हारा पुत्र आता है, आज हम उसी को मांग रहे हैं, तो विचार करके नहीं बोल रहे। और जिस ब्राह्मण की, जिस वशिष्ठ की कृपा से तुम्हें 4 पुत्र हुए, उसमें से आधा मांग रहे, तो तुम कह रहे हो कि हम विचार करके नहीं मांग रहे, तो फिर क्या विचार करें? बोले गुरुदेव, गुरुदेव मैं क्या बताऊं, यह तो मुझे 4 पुत्र समान प्रिय है,
गुरुदेव राम को देते नहीं बनता, बड़ा सीधा बड़ा भोला, अपना पांव भी कभी भूमि पर नहीं रखा, ये क्या रक्षा करेगा आपकी गुरुदेव? आप मुझे कहना, मैं तो चतुरंगी सेना लेकर जितने दिन कहेंगे मैं वीरासन में खड़े होकर आपको उलाहना का अवसर नहीं दूंगा गुरुदेव। और चरणों में गिर पड़े, गुरुदेव गुरुदेव कुछ तो मुझ पर दया करो, कृपा करो। देखा विश्वामित्र जी ने बड़ा अधीर हो रहे हैं, तो विश्वामित्र जी आवेश में खड़े हो गए। वचन देकर फिरने का तात्पर्य समझते हो तुम? इतना कहते वशिष्ठ जी खड़े हो गए। और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह नाश कह पावा। और वशिष्ठ जी ने कहा, तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहुत समझाया, राजन भेज दो। बोले तो बोले चहु दिशी राम का यश और कीर्ति का विस्तार होगा। नंबर एक, नंबर दो, भेज दो, तुम्हारा राम राक्षसों का संहार करके जगत में महावीर कहलाएगा। तुम्हारे राम का पराक्रम पूरे विश्व को प्रदर्शित होगा। भेज दो, वन में जाकर संतों का कृपा प्राप्त करके, संतों के आशीर्वाद का विसिंचन करके लौटेगा, जगत में तुम्हारे नाम पूजनीय बनेगा। और सुनो, बोले क्या? बोले तब बहु, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहु विधि, बहु विधि वाले बोले भेज दो, बहु आने की विधि बतला दी। बोले भेजोगे तो बहु लेके आएंगे। और जैसे ही कहा बहु लेके आएंगे, दशरथ जी एकदम से खड़े हो गए। अरे किसने रोका? अरे गुरुजी तुमको क्यों, चारों ले जाओ, आप ही के बच्चे। विश्वामित्र बोले, ये भगवान ये कान में क्या घुट्टी पिला दी वशिष्ठ जी ने, गुरु जी ने ऐसे क्या घुट्टी पिला दी, जो चेला अभी तक मना कर रहा था और अब एकदम से तैयार हो गया। बोले गुरुदेव आप ही के पुत्र हैं, आप ही ले चलो। और आज राम और लखन गुरुदेव के साथ चल पड़े।